गूगल चूंकि सबसे कॉमनली यूज सर्च इंजन है और सहाफी भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूज गैदरिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान, तो हम गूगल के ऊपर ही इसकी एडवांस सर्च टेक्निक्स देखने की कोशिश करेंगे। इसकी जरूरत हमें इसलिए पेश आती है क्योंकि गूगल के ऊपर सर्च की सिंपल सर्च अक्सर इफेक्टिव तो होती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। गूगल चूंकि खुद भी बहुत सारा यूजर बिहेवियर मेजर करता है, तो उनकी अपनी रिसर्च ने साबित किया है कि जब भी लोग गूगल सर्च को इस्तेमाल करते हैं तो वो यूजुअली पहले सर्च पेज से आगे नहीं जाते, और इस पहले सर्च पेज के ऊपर भी टॉप 3 रिजल्ट्स से ज्यादा आगे मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो अगले लिंक्स को चेक नहीं करते हैं। जब आप किसी मशहूर सरकारी इदारे या डिपार्टमेंट की वेबसाइट या इवन कोई बैन अक्वामी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के लिए सर्च कर रहे हैं तो अमूमन आपको वो रिजल्ट्स टॉप सर्च रिजल्ट्स में मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर इन वेबसाइट्स पर जाकर इंफॉर्मेशन को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट वेबसाइट्स का जिक्र करें, क्योंकि ये इनके अक्सर साइट मैप्स नहीं होते या इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो ऐसे केसेस में गूगल की एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स हमारी मदद कर सकती हैं। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि गूगल की सर्विस उनकी दूसरी सर्विसेज के साथ लिंक्ड है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने जीमेल भी साइन इन किया हुआ है, तो मेरी ब्राउजर हिस्ट्री, मेरी ईमेल बिहेवियर और ये सब कुछ जो है वो मेरे सर्च रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो ऐसा मुमकिन है कि अगर मैं और कोई और शख्स एक ही कीवर्ड या की फ्रेज सर्च करें तो हमें कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिले। सो अगेन ऐसी सिचुएशंस में एडवांस सर्चिंग हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, स्पेशली अगर आप डेडलाइन के ऊपर कुछ डेटा इकट्ठा करने की या कोई डॉक्यूमेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम गूगल के एडवांस सर्च फीचर्स को स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी कि वो हमें किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप 2-3 तरीकों से गूगल के एडवांस सर्च फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली गूगल एडवांस सर्च की सर्च कर लीजिए और जो पहला रिजल्ट है दैट विल टेक यू टू द फॉर्म। एक और तरीका ये है कि जैसे आप नोट कर रहे हैं कि मैं google.com.pk की डोमेन पे हूँ, तो अगर आप यहाँ google.com टाइप कीजिए और google.com पे जाएं तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में एडवांस सर्च लोकेट कर सकते हैं और इससे भी आप गूगल के एडवांस सर्च फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको आप देखने से अंदाजा हो जाएगा कि फॉर्म के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमारे पास 5 फील्ड्स हैं और यहाँ पर फाइंड पेजेस विद लिखा है। इन 5 फील्ड्स में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो आमतौर पे हमारे कीवर्ड या कीवर्ड फ्रेजेस होती हैं। आप देख रहे हैं कि हर फील्ड के साथ गूगल ने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास जो फॉर्म का हिस्सा है ये हमारे लिए खासा अहमियत का हामिल होगा। इसमें हम रिजल्ट्स को नैरो कर सकते हैं कुछ खास फिल्टर्स इस्तेमाल करके। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हर फीचर क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो अभी हम इन फील्ड्स को टेस्ट करके देखते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर्स पे इसको इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ऑल दीज वर्ड्स की फील्ड में डेटा जर्नलिज्म पाकिस्तान की सर्च करता हूँ। सो अगर मैं डेटा जर्नलिज्म पाकिस्तान की सर्च करूंगा एंड जस्ट प्रेस्ड एंटर, तो गूगल मुझे वो सारे वेब पेजेस दिखा रहा है जहां पर ये तीनों लव्स
एग्जिस्ट करते हैं और इनकी मुख्तलिफ आइट्रेशंस हो सकती हैं। अमूमन ये डेटा जर्नलिज्म और पाकिस्तान होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में डेटा जर्नलिज्म पाकिस्तान है। इसी तरह अगर हम नीचे करते हैं तो आगरी अवार्ड्स की वेबसाइट है जहाँ पे डेटा जर्नलिज्म की टर्म अलहदा है और पाकिस्तान की टर्म अलहदा एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरह मजीद जर्नलिज्म पाकिस्तान की वेबसाइट है और इस पर एक्चुअली ये हमारी वेबसाइट आरटीआई लॉज के हवाले से हमने लॉन्च की थी, उसकी डिटेल्स इसके ऊपर यहाँ पर रिजल्ट में आ रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पर एक चीज जो हमारे देखने के लाइक है वो ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं। यू कैन सी ये 9.5 मिलियन रिजल्ट्स शो कर रहा है। नाउ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इन तमाम 9.5 मिलियन रिजल्ट्स को स्क्रॉल करूंगा। आई वुड प्रोबेबली जस्ट इस पहले सफ़े तक ही मैं अपने आप को महदूद रखूंगा। सो ये इसमें हमने ऑल दीज वर्ड इस्तेमाल किया और इसने वो वेब पेजेस हमें रिटर्न किए जहाँ पर ये तीनों की वर्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं विद द एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज फील्ड। जब मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज की फील्ड इस्तेमाल की तो आप देख सकते हैं कि गूगल ने अपनी सिंपल सर्च बार में इस कीवर्ड फ्रेज के इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स या कोट्स डाल दिए हैं और अब ये मुझे सिर्फ वो पेजेस रिटर्न कर रहा है जहां पर ये एग्जैक्ट फ्रेज इसी ऑर्डर में रिटर्न हो रही है। सो डेटा जर्नलिज्म पाकिस्तान ऑल टुगेदर। और आप देख रहे हैं कि 9.5 मिलियन रिजल्ट्स से मैं नीचे 1060 रिजल्ट्स पर आ गया। सो ये दिस एग्जैक्ट फ्रेज वाली फील्ड मुझे अपने सर्च रिजल्ट्स नैरो करने में मदद देती है और अभी भी शायद मुमकिन ना हो कि मैं ये 1060 रिजल्ट्स सारे स्क्रॉल कर सकूं, बट ये फिर भी 9.5 मिलियन रिजल्ट्स से इनको मैनेज करना कदरे आसान है। इसके बाद जो फील्ड दी गई है एनी ऑफ दीज वर्ड्स, ये एग्जैक्ट वर्ड या फ्रेज का ऑपोजिट करती है, यानी ये हमारी सर्च रिजल्ट्स को मजीद ब्रॉड कर देगी, मजीद एक्सपैंड कर देगी। इफ यू प्रेस एंटर, अगर आप इसको भी इस्तेमाल करें तो आप देख रहे हैं कि अब ये डेटा और जर्नलिज्म और पाकिस्तान, यानी इनमें से किसी भी एक वर्ड को जिस पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे पेजेस ये रिटर्न कर रहा है। और अब हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 6.2 बिलियन या 6.25 अरब रिजल्ट्स हमें नजर आने शुरू हो गए हैं। सो हमारी जो सर्चिंग का नेट था वो बहुत वसी हो गया है। साथ साथ आप ये जरूर नोटिस करें कि जो भी हम फील्ड्स एडवांस सर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके शॉर्टकट्स गूगल ने क्रिएट किए हुए हैं। जिस तरह एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज के लिए हम कोटेशन मार्क्स डाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगैन, अगर मैं यहाँ पर डेटा जर्नलिज्म पाकिस्तान कोटेशन मार्क्स में डालूं तो मैं फिर वापस अपने एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज वाले सर्च रिजल्ट्स पे चला जाऊंगा जिसमें 1000 रिजल्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। सो अगर आप इसमें और का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो यू गेट आइदर वन वर्ड और द अदर वर्ड, और अगर आप कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जैक्ट वर्ड या फ्रेज की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा, एनी ऑफ दीज वर्ड्स का एक इस्तेमाल मिस स्पेलिंग्स में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिसीव और रिसीव यहाँ पे टाइप करें तो ये आपको दोनों ऐसे पेजेस दिखाएगा जहां पर आपको रिसीव भी नजर आ रहा होगा और रिसीव दूसरा भी नजर आ रहा होगा। ऑल दीज वर्ड्स की फील्ड हमें किसी एक पेज पर वो तमाम कीवर्ड्स ढूंढ के दिखाती है। एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज हमें एक खास फ्रेज उसी ऑर्डर में रिटर्न करती है सर्च रिजल्ट्स में। एनी ऑफ दीज वर्ड्स में जो भी कीवर्ड्स, अगर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स लिखे हैं तो वो ऐसे वेब पेजेस भी आपको दिखाएगा जिसमें उनके कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसे भी जिनमें वो अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं। नन ऑफ दीज वर्ड्स, अगर आप नन ऑफ दीज वर्ड्स की फील्ड आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी सर्च टर्म को अपनी सर्च रिजल्ट से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ये जहन में रखिए कि ये तमाम फील्ड्स आप इकट्ठे भी या इनकी कोई कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेटा जर्नलिज्म की सर्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पेजेस इसमें इस सर्च रिजल्ट में ना शुमार हों
जिनमें पाकिस्तान का लफ्ज आ रहा है, तो मैं पाकिस्तान का वर्ड जो है वो नन ऑफ दीज वर्ड्स में की फील्ड में शामिल करूंगा। अब अगर मैं ये सर्च कंडक्ट करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि सिंपल सर्च बार में डेटा जर्नलिज्म की टर्म तो उसी तरह लिखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की टर्म से पहले एक माइनस साइन या नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। और अब अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्च रिजल्ट्स कदरे मुख्तलफ हैं, 99 मिलियन पे चले गए हैं, और यहाँ पर जो पहले रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इंटरनेशनल रिजल्ट्स हैं। डेटा जर्नलिज्म हैंडबुक का रिजल्ट है, डेटा जर्नलिज्म की विकीपीडिया एंट्री है, और मीडियम पे एक मशहूर डेटा जर्नलिज्म का आर्टिकल है। सो अगैन, आप अगर आपने किसी सर्च टर्म को एक्सक्लूड करना हो अपने सर्च रिजल्ट से, तो आप उससे पहले माइनस का या नेगेटिव का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं वापस फॉर्म की तरफ जाऊंगा। नंबर्स वाली फील्ड कदरे कम इस्तेमाल होती है क्योंकि इसका काम किसी वेब पेज के ऊपर नंबर्स तलाश करना है, जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। आमतौर पर ये मेजरमेंट यूनिट्स के साथ इस्तेमाल होती है या करेंसी यूनिट्स के साथ इस्तेमाल होती है। सो मैं इसको ट्राई करके नहीं देखूंगा। आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ अपने सर्च रिजल्ट्स नैरो करने हैं तो आप मुख्तलिफ फिल्टर्स के जरिए कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज का फिल्टर है। अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी उर्दू स्क्रिप्ट की इजाज़त नहीं है। सो अगर आप पाकिस्तान में उर्दू पेजेस सर्च करना चाहें तो ये उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आप रीजन से सर्च कर सकते हैं, सो यू कैन लुक एट पेजेस विच आर ओनली फ्रॉम लेट्स सपोज पाकिस्तान इन दिस केस। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल नॉइज की है और उसमें आपको किसी और मुल्क की किसी डेटाबेस को एक्सेस करना है, वेब पेजेस को एक्सेस करना है, तो आप यहाँ से रीजन सेट कर सकते हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा अहमियत के लिए की फील्ड हैं वो साइट और डोमेन की फील्ड है और फाइल टाइप की फील्ड है। तो मैं इन दोनों का एक डेमोंस्ट्रेशन आपको करके दिखाता हूँ। आमतौर पर साइट और डोमेन की फील्ड हमें बहुत काम आती है जब हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये फील्ड को इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसको सर्च कर सकते हैं, या एक खास डोमेन फॉर एग्जांपल .gov या .edu पर सर्च कर सकते हैं। .pk पाकिस्तान में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, तो हम उन डोमेन्स को भी सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सर्च करता हूँ, अभी मैं एक सिंपल सर्च कंडक्ट कर रहा हूँ विद ऑल दीज वर्ड्स, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट टॉप रिजल्ट रिटर्न हुआ है और इसका वेब एड्रेस cda.gov.pk है और दीगर रिजल्ट्स हैं जिसमें विकीपीडिया की एंट्री है, फेसबुक पेज है और कुछ अखबारों में जहाँ पर CDA के टेंडर्स वगैरह पब्लिश हुए हैं उनकी एंट्रीज हैं। पर अगर मैं ये वेबसाइट एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लूँ और वापस अपने फॉर्म पे जाऊं और स्क्रॉल करके नीचे साइट और डोमेन में चला जाऊं और यहाँ पर ये वेब यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूं, तो अब मैं जो भी एंट्रीज फॉर्म के ऊपर वाले हिस्से में टाइप करूंगा, जो भी सर्च वर्ड्स टाइप करूंगा, वो मुझे सिर्फ CDA की वेबसाइट से उसके रिजल्ट्स देखने की कोशिश करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं जर्नलिज्म टाइप करता हूँ तो मैं पूरे इंटरनेट के ऊपर सर्च नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहा हूँ। एंड यू कैन सी कि जहाँ पर मुझे बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे, अब देर आर जीरो सजेशंस बिकॉज CDA की वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली डेटा जर्नलिज्म का लफ्ज़ कभी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। बट ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि स्पेशली बीट रिपोर्टर्स के लिए जो किसी एक महकमे को या इदारे को रेगुलरली कवर करते हैं, वो उनकी वेबसाइट्स को हो सकता है कि रोज़ विज़िट करना उनके लिए मुश्किल हो या डॉक्यूमेंट का अलर्ट लगाना मुश्किल हो, तो इस फीचर को इस्तेमाल करके आप क्विकली एक वेबसाइट के ऊपर
नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सर्च कर सकते हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पर बजट की सर्च करूँगा। आई एम लुकिंग फॉर बजट डॉक्यूमेंट्स जो CDA की वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं, जस्ट सिंपली यूजिंग द टर्म बजट। सो अब आप नोट कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं, 503, और ये सब मुझे रेलेवेंट रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे अप्रूवल ऑफ बजट ऑफ फिस्कल ईयर 2017-18, तो ये मोस्ट रिसेंट साल का रिजल्ट, एक्चुअली प्रीवियस साल का रिजल्ट दिखा रहा है। इसके अलावा 2015-16 CDA बजट, 2013 CDA बजट, 2011। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनके URLs पे, तो इन सब के URLs थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कुछ तो PDFs डॉक्यूमेंट्स में बजट के हिसाब से पड़े हुए हैं, बट कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो रिसोर्स सेंटर के हैं और कुछ अबाउट अस में बजट पड़े हुए हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये वेबसाइट के ऊपर जाता तो एन मुमकिन था कि ये डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर लोकेटेड होते और मुझे इनको ढूंढने में बहुत वक्त लगता। लेकिन अगर मैं एडवांस सर्च फॉर्म को इस्तेमाल कर लूँ तो एक ही स्क्रीन के ऊपर मैं अपनी सर्च नेट को ज़्यादा रिफाइन कर सकता हूँ और ज़्यादा जल्दी वो रिजल्ट्स हासिल कर सकता हूँ। सो अभी अगर आप सिंपल सर्च बार को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि मेरी सर्च टर्म तो यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन जहाँ मैंने साइट का फिल्टर इस्तेमाल किया था वहाँ पर गूगल ने साइट कोलन और उसके आगे URL को टाइप कर दिया है। इसका मतलब है कि मैं इस शॉर्टकट को वैसे भी सिंपल सर्च में इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, सो मैं बजट की ही टर्म इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन CDA के बजाय नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे, जिसका वेब एड्रेस मुझे याद है। सो अब आप नोटिस करेंगे कि मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो नेशनल असेंबली की वेबसाइट से मिल रहे हैं, और अगेन इसमें वही सर्च टर्म है जो मैंने फीड की है। सो तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो बजट रेलेवेंट हैं। तो अगेन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा फीचर है। अब मैं वापस गूगल एडवांस सर्च फॉर्म पे आ चुका हूँ, और आई वांट एक और फील्ड को मैं ट्राई करूँगा, जो कि अगेन जब भी आप ओपन डेटा के लिए सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर ओपन डेटा जो है वो कुछ ख़ास फॉर्मेट्स में होता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो कुछ लॉक्ड डेटा भी होता है वो भी कुछ ख़ास फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर गूगल आपको ये भी अलाउ करेगा कि आप ख़ास फाइल फॉर्मेट से सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं इस ड्रॉपडाउन लिस्ट से PDF फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। मेरी बाकी सर्च टर्म्स वही हैं, बजट, और मैं CDA की वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पर मेरे पास पिछले सर्च रिजल्ट्स में 500 के करीब रिजल्ट्स थे, वो अब बहुत कम हो के सिर्फ 38 रिजल्ट्स रह गए हैं, और ये सारे PDF डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बजट का लफ्ज रिपीट हो रहा है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्क्रॉल करें तो यहाँ पर मुझे एक फाइल नज़र आ रही है, विच इज़ द कैपिटल हॉस्पिटल एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह हो सकती है टू लुक फॉर डेटा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें CDA के हॉस्पिटल का प्रोक्योरमेंट प्लान की बजट फाइल पड़ी होगी, या एटलीस्ट PDF प्रोक्योरमेंट प्लान की PDF फाइल पड़ी होगी। सो इसको, इस PDF फाइल पे क्लिक करके, इसको डाउनलोड करके, इसको पढ़ के, हो सकता है कि मुझे खबर का कोई आइडिया मिल जाए। सो PDF के अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये यूज़ करें। इसके अलावा एक फ़िल्टर जो है वो लाइसेंस का भी है, फ्री टू यूज़ और शेयर। ये आमतौर पे तब जब प्रोड्यूसर्स वगैरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट सर्च करने की कोशिश करें जो वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जस्ट टू क्विकली रीकैप, ऑल दीज वर्ड्स हमें एक कीवर्ड फ्रेज
कि तमाम वर्ड्स एक पेज में ढूंढ के देता है, एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, उस फ्रेज का जो ऑर्डर होता है उसको भी मेंटेन करता है, एनी ऑफ दीज वर्ड्स हमारे सर्च नेट को वाइड कर देता है, और नन ऑफ दीज वर्ड्स में इसकी मदद से हम कुछ टर्म्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एडवांस सर्च फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक तरीका ये भी है कि आप सिंपल सर्च कीजिए, और सर्च रिजल्ट्स पेज के टॉप मेन्यू में आपको ये दो बटन्स नज़र आएंगे, सेटिंग्स और टूल्स। इनको इस्तेमाल करके भी आप कुछ फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेटिंग्स आपको दोबारा एडवांस सर्च में भी लेके जा सकता है, आप प्राइवेट रिजल्ट्स को हाइड कर सकते हैं, कुछ खास लैंग्वेजेस जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और टूल्स में आप रीजन, किसी भी टाइम और वर्बेटिम रिजल्ट्स या ऑल रिजल्ट्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम वाला फिल्टर जर्नलिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अक्सर आप बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने किसी खास टॉपिक के ऊपर किस तरह से कवरेज की, तो उन इश्यूज के ऊपर आप करंट या ज़्यादा टाइम सेंसिटिव मटेरियल को सर्च करने के लिए ये फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्चिंग और बैकग्राउंडिंग या बैकग्राउंड रिसर्च के हवाले से कुछ और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आमतौर पर तो हम गूगल को सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी प्राइमरी सर्च इंजन बन चुका है, लेकिन अगर आप कुछ और सर्च इंजन भी इस्तेमाल करना चाहते हो जस्ट टू सी के आपके सर्च रिजल्ट्स किस तरह से डिफर करते हैं, तो आप ये कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। dogpile.com आमतौर पे दो या दो से ज़्यादा सर्च इंजन से रिजल्ट्स फेच करके आपको इकट्ठे डिस्प्ले करता है। इसके अलावा कुछ और मशहूर सर्च इंजन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आप कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हैं जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट बिजनेस इन्वॉल्व है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की बैकग्राउंडिंग के लिए आप कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगैन गूगल की एडवांस सर्च फॉर्म में .org की डोमेन सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कंपनी नेम सर्च फीचर अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर। इसी तरह FPR की एक टैक्स पेयर सर्च टूल है उनकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा कुछ येलो पेजेस और फोन बुक सर्विसेज भी हैं पाकिस्तान में, ऑपरेट करती हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ औक़ात हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें साइंटिफिक या एकेडमिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो एकेडमिक जर्नल्स या जर्नल आर्टिकल्स वगैरह से भी रुजू कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला आमतौर पर पॉइंट ऑफ सर्च गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर के ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं कि जिन इश्यूज के ऊपर आप कोई एकेडमिक रिसर्च स्कॉलरली रिसर्च ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर जो आपको रिसर्च पेपर्स मिले हैं वो उनका फुल एक्सेस अवेलेबल ना हो और प्रीमियम सर्विसेज हों, तो देर आर सम वेबसाइट्स जो कि इसका कोई वर्क अराउंड प्रेजेंट करती हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि ये पायरेसी के जुमरे में आता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्लाउड एक वेबसाइट है जिसको कुछ वेस्टर्न न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं अपने डेटा को पब्लिश करने के लिए जो उन्होंने अपनी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हासिल किया है। अगैन अगर आपकी स्टोरी की नौीयत नेशनल है या आपको कोई इंटरनेशनली रेलिवेंट डेटा चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्लाउड पर शायद आपको कुछ काम की चीज़ मिल जाए। गूगल स्कॉलर में जब आप किसी रिसर्च पेपर के लिए सर्च करते हैं तो आमतौर पर राइट हैंड साइड पे भी कुछ लिंक्स नज़र आते हैं, ये उन्हीं आर्टिकल्स के का फ्री एक्सेस लिंक्स होते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट डेटा के लिए अगैन आप .gov.pk की वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं।
एडवांस सर्च के जरिए भी और जनरली भी जब आप इन साइट्स को ब्राउज करें तो कोशिश कीजिए कि एनुअल रिपोर्ट्स, किसी भी किस्म के स्टेटिस्टिक्स जो कुछ खास फाइल फॉर्मेट्स में हो, या ऑडिट रिपोर्ट्स, या अगर कोई मीडिया या प्रेस किट्स अवेलेबल हैं तो उनको ज़रूर डाउनलोड या स्टडी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको उन गवर्नमेंट इदारों की ऑपरेशन या फंक्शंस के बारे में इम्पोर्टेंट मालूम मिल सकती है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अक्सर लोकल रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, बाज़ोगात रीजनल कंपैरिजंस प्रोवाइड करने के लिए, बाज़ोगात इंटरनेशनल कंपैरिजंस प्रोवाइड करने के लिए। सो यूनाइटेड नेशंस का डेटा पोर्टल या वर्ल्ड बैंक का डेटा पोर्टल इस सिलसिले में आपके काम आ सकता है। बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में एनुअल रिपोर्ट्स जारी करती हैं, या ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जारी करती हैं जिसमें पाकिस्तान का कोई चैप्टर या कोई हिस्सा या कोई मेंशन होता है। तो अगेन ये स्टैट्स जो हैं वो आप अपनी स्टोरीज में एज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जिक्र करता चलूँ, अगली वीडियो लेक्चर में हम राइट टू इंफॉर्मेशन या मालूमात तक रसाई के हक के कवानीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस वीडियो में आई सपोज मौका नहीं मिलेगा इस चीज़ को डिस्कस करने का। तो अभी डेटा कलेक्शन या डेटा गैदरिंग के हवाले से इसका जिक्र कर लूँ। पाकिस्तान में जो सेकेंड जनरेशन राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज पास हुए हैं, जो 2013 से 17 के दरमियान पास हुए, उनमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के हवाले से भी क्लॉजेज मौजूद हैं, और ये क्लॉजेज बेसिकली सरकारी इदारों को इनकरेज करती हैं कि वो बहुत सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की इंफॉर्मेशन हो उसको वॉलंटरली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करें, या उनकी फिजिकल कॉपीज जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में विजिबली उनको प्लेस करें, ताकि आवाम जो है वो उनकी कॉपीज बना सकें या उनको हासिल कर सकें। अभी मैंने खैबर पख्तूनख्वा के राइट इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट खोली है, अगर इसमें आप पब्लिकेशंस के सेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों का जिक्र है, और इसके अलावा आरटीआई प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स के बारे में एक और भी टैब है। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहे हैं तो मे बी आपको ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स वाला कोई सेक्शन ढूंढने की भी कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स में बजट्स, मिशन एंड विजन, ऑर्गेनोग्राम्स, इस तरह की चीज़ें तो कॉमन होती हैं, लेकिन बाज़ोकात कुछ सरकारी इदारे इससे आगे बढ़ के मज़ीद बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो डेवलप करते हैं और डेटा शेयर करते हैं। सो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स जो रजाकारना तौर पर इंफॉर्मेशन हुकूमती इदारे शेयर कर रहे हैं, वो भी सहाफ़ियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकती है अपनी स्टोरीज के हवाले से डेटा इकट्ठा करने के लिए।